अगर फाइनेंस की बात करें ना, तो एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे मनोज है, आप हूँ, मैं हूँ, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है वैसे तो। पर अगर हम मनोज की एग्जांपल लें, क्योंकि इसकी एज सबसे छोटी है, तो दो यस चीजें हैं। देखो, पैसे हैं आपके पास, या तो आप कोई कोर्स कर सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, या बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पर इससे भी पहले, इन दोनों बातों से भी पहले, एक और बात है। मेरा दिल ये कहता है, जो मुझे समझ में आया, कि 5 से 6 महीने, अभी जितनी भी तुम्हारी सैलरी है, मान लो किसी की सैलरी 20,000 रुपये, तो गुणा 6 कर दो, यानी 1,20,000 रुपये हो गए। तो 1,20,000 रुपये आपको एक अलग अकाउंट खुलाना है और उसमें डाल देने हैं, और वो अकाउंट की पासबुक, उसका पासवर्ड, उसका एटीएम, उसकी चेकबुक सारी अपने पापा को या मम्मी को, जो भी समझदार ज्यादा है, उसको दे देनी है। और उनको बोलना है, जब तक मैं रोता हुआ ना आऊं, तब तक मुझे देना मत, ठीक है। तो यानी कि 1,20,000 रुपये आपके पास फिक्स हो गए। ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब तक ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, तब तक आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, कोर्स भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब मेरे पास 1,20,000 रुपये हैं, उसके बाद आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है कि मैं कोई पावर में सीख लूँ, मास्टर कैम सीख लूँ, एनएक्स सीख लूँ, कुछ सीख लूँ जो मेरा प्रोफेशनली मेरी ग्रोथ में काम आए। ऐसे नहीं है कि पैसे इन्वेस्ट करने लग गए और अपनी ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं रहे, और पैसे हैं ही नहीं, वो गलत है, ठीक है। दो चीजें हो गई कि मैंने कोर्स के लिए पैसे, अब नेक्स्ट जो पैसे चाहिए वो कोर्स के लिए चाहिए। अब 15,000 रुपये फीस है, तो आपको 15,000 अरेंज करने हैं। जब तक वो 15,000 अरेंज नहीं हो जाते, आपको कोर्स भी नहीं करना, पहले 15,000 अरेंज कर लेने हैं, फिर कोर्स करना, ठीक। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग फोन करके कहते हैं, सर अगले महीने से करेंगे। क्यों भाई, पैसे अगर तनख्वाह अगले महीने मिलेगी, तनख्वाह के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं बितानी, ठीक है। तनख्वाह पे नहीं चलना, आप 2 महीने न मत खर्चा करो, 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने पैसे जेब में होने चाहिए, और उसके बाद खर्चा शुरू करो, ठीक। तीसरी चीज, दो चीजें समझ आ गई। पहला, आप पैसे जमा करा के छोड़ दो। कोरोना आ गया, कुछ और पंगा हो गया, नौकरी चली गई, कंपनी में लड़ाई हो गई, कंपनी वालों ने निकाल दिया, आपने टूल तोड़ दिया, है ना, कुछ भी डेबिट पड़ गया आपके ऊपर, खर्चा आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, पंचर हो गया, कुछ और हो गया, है ना, किसी भी कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है, तो आपके पास 6 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए। तो इतने भी नालायक हम लोग नहीं है 6 महीने में दोबारा नौकरी ना ढूंढ पाए, है ना। इतने भी गए गुजरे नहीं है सब, हम सब लोग समझदार हैं, तो 6 महीने में तो अगर नई नौकरी ढूंढ ही लेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे, है ना। तो वो होना चाहिए। दूसरा, कुछ पैसे आपको अपने अपने ऊपर खर्चने के लिए आपकी जेब में होने चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों काम हो जाएं, उसके बाद आपको लेनी है मेडिकल। बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लड़ाई हो गई, किसी ने सिर फाड़ दिया, खत्म हो गई बात, अब पैसे कहाँ से आएंगे। घर वाले में से किसी को बीमार हो गया, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, भगवान ना करे हो गया, पर खर्चा आपने जितनी सेविंग करी है सारी 4-5 दिन में ही खत्म हो जाएंगी। ये नॉर्मली एक मेडिकल ग्राउंड में आप जाओगे, तो वो एक दिन में 5,000 रुपये का खर्चा है, कम से कम 5 से 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपने, मतलब आपने मान लो 1,00,000 रुपये बचाया, तो 10 दिन में खत्म, ठीक। तो मेडिकल होना बहुत जरूरी है, जितनी कम एज होगी उतना सस्ता होगा। उसके बाद आता है, यानी तीन चीजें से चार चीजें समझ आ गई। उसके बाद आता है टर्म प्लान। मान लो एक्सीडेंट हुआ, मर गए तुम क्यों मरे, मैं मर गया, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं मर गया। अब मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर खर्चा कर रखा है, मेरे बीवी बच्चे हैं, है ना, उनका बच्चा नहीं मरा सिर्फ, उन्होंने जो 15 साल 20 साल 25 साल तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तुम्हारे को खिलाया पिलाया बड़ा किया, वो भी ऐसा डूब गया। बेटा तो गया ही गया, प्लस फाइनेंशियली भी खराब हो गया,
तो अब तुम्हारे बाद उनकी केयर कौन करेगा, क्योंकि वो तो दुखी हो गए, बीमार हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएंगे, तो मेरा बट्टा बेटा, तो उनको पैसे चाहिए ना, तो वो टर्म प्लान है, उसमें कुछ वापस नहीं आता, सिर्फ लगता ही। पर जितनी मनोज की उम्र है, छोटी उम्र में, वो सस्ता होता है। मैंने 50 लाख का टर्म प्लान लिया, मेरे को 30-40 हज़ार रुपये किस्त है उसकी ना, इससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर ये लेगा तो तो 1,000-2,000 रुपये में बन जाएगी बात, मतलब अगले साल, अगले हर साल आपको दो, मान लो 2,000 रुपये का मिला, तो हर साल आपको 2,000 रुपये ही जमा कराने, समझ रहे, अगले 40 साल तक। जिसने 30 हज़ार का लिया, उसको हर साल 30 हज़ार ही जमा कराने हैं अगले 40 साल तक। तो 2,000 वाला का 40 साल में 80 हज़ार हुआ है, 30 हज़ार वाले का 40 साल में कितना हो गया, बहुत सारा। सिर्फ एक डिसीजन है, भाई मुझे आज लेना है या 10 साल बाद लेना है, सिर्फ इतना ही फर्क, और कोई फर्क, सिर्फ एज फर्क, जिसकी जितनी छोटी एज होगी उतना उसको फायदा होगा, हर साल होगा, एवरी ईयर, ठीक है। जब ये चारों चीजें हो जाए, फिर आती है बात म्यूचुअल फंड की, ठीक फिर बात आती है गोल्ड की, फिर बात आती है आपको पैसे इन्वेस्ट कैसे करना। उससे पहले तीन चार काम, वो तीन चार काम पहले करने हैं, फिर इन्वेस्टमेंट में जाना है। जब इन्वेस्टमेंट हो जाए, म्यूचुअल फंड हो जाए, सारा कुछ हो जाए, फिर अब मुझे को पैसे चाहिए ग्रोथ के लिए, रिस्क ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं सिक्योर हूँ सारी चीजों में। फिर मैं क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट और ऐसी चीजों में जा सकता हूँ, बॉन्ड है ना, शेयर, किसी कंपनी के शेयर ले लिए, फिर हम उसमें जा सकते, जब वो हो जाए फिर नेक्स्ट। अब इसका मतलब सब कुछ हो गया, अब क्या, अब उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदो, ठीक है, क्योंकि आपने मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपने 5 साल भूल जाना उसको, 5 साल बाद बेचनी है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है डबल में बिक जाए। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने 4 महीने पहले 1.5 करोड़ रुपए का एक मकान लिया, 4 महीने हुए अभी, और 3.5 करोड़ कुछ, 2-2.80 करोड़ का बेच रहे हैं, सोचो, तीन डबल हो महीने गया लगभग, हाँ 3 महीने में3 महीने डबल। हाँ, बस क्या किया, 3 महीने रेनोवेट किया, आर्किटेक्ट बुलाया, इंटीरियर कराया, ठीक है, ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल में 5-10 लाख रुपए खर्चे किए उसके ऊपर, 1.5 लाख का लेके 10 लाख और खर्चा, और अब 2.80 के करीब का भेज रहे, सिंपल। और आ गया ग्राहक, ऐसा नहीं ग्राहक, 1 करोड़ हाँ हाँ 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ 4 महीने में का, क्या बुरा है क्या बुरा क्या 25 लाख है, पर मंथ कमा लिया, हाँ पर मंथ 25 लाख कमा लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, मैंने अभी एक प्लॉट देखा है, 18 हज़ार रुपये कीमत, 18 हज़ार रुपये गज, मुझे पता है जिस दिन मैंने खरीद लिया उसी दिन उसकी कीमत 23 हज़ार हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, मैं 23 में कम, 23 से कम बेचूंगा ही, ठीक है, और मेरे से कर ले लो 23 में, मुझे क्या दिक्कत है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं घर में बैठा हूँ अपने, मैंने लिया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अब मैं 23 से कम में मुझे बेचना नहीं है, कल आता कल आ जाएगा, 10 साल बाद आता 10 साल, मैंने अपनी फिक्स कर ली, मुझे 23 से कम में नहीं बेचना, जितने साल बढ़ते जाएंगे उतना मैं उसका रेट बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, तो टोटली आपके वो, पर वो लास्ट एज है उसकी, उससे पहले बहुत सारी चीजें, टर्म प्लान ले लो, बच्चों को सिक्योर कर लो, वाइफ को सिक्योर कर लो, शेयर में लगा लो थोड़े पैसे कर, पर वो वहां तक मनोज को पहुंचते पहुंचते 20-22 साल लग जाएंगे, ठीक है, हमारी दाढ़ी चिट्टी होगी उसकी, जब तक होगी तब तक वो भी कर लेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें, मतलब मैं ये नहीं समझाना चाह ऐसा रहा हूँ, मत जल्दी थोड़ा की यानी नॉर्मल उसने कर लिया होगा मैं रह गया, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा सबका अपना अपना लेवल है,